कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर साहब बहुत ही सरल और सच्चे हैं, पवित्र आत्मा हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कबीर साहब किसी भी प्रकार के झूठ, फरेब, धोखाधड़ी इनमें लगे हुए हैं। जुलाहे हैं, लेकिन जुलाहे होते हुए भी घटिया सामान ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। कबीर साहब संत शिरोमणि हैं, और संत शिरोमणि होने के बाद जब कोई ऐसी बात कहे तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। कबीर साहब ने एक ऐसी बात कह दी कि हम आशा नहीं कर सकते कि कबीर साहब ऐसा कहेंगे, कबीर साहब कहेंगे ना, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। और ये बात कहकर कबीर साहब ने हम सबको बहुत निराश किया है। ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन कह दी। अब कह दी तो उस बात को सुनना तो पड़ेगा, और सुनकर हमें अब बहुत कुछ उसे गुनना पड़ेगा, बुनना पड़ेगा कि क्यों कबीर साहब ने ऐसी बात कह दी, नहीं कहनी चाहिए थी। तो पहले सुन लेते हैं कबीर साहब क्या कह रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। सुना आप सभी ने, मन निराश हो गया ना सुनकर। स्वाभाविक है निराश हो जाना। कबीर साहब अपने को कह रहे हैं मैं बुरा व्यक्ति हूं। बताइए कोई बात है यह, कौन स्वीकार करेगा इस बात को? और कबीर साहब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हम तो स्वीकार नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा। और कबीर साहब की स्वीकारोक्ति आ रही है, स्वयं मान रहे हैं कि मैं संसार का सबसे बुरा आदमी हूं। तो इस बात को अब समझने की यात्रा पर निकलते हैं एक उदाहरण के द्वारा। समय समय पर मैं अनेक राजनेताओं के भाषण सुनता रहता हूं कि किस राजनेता ने कब कहां बोला, और उस सुनने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि यह देखना कि जो राजनीति में हैं क्या उनका कोई आध्यात्मिक विकास हुआ, क्या राम का वे एक कण भी पाप आए, कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी उन्होंने चखी। सिर्फ यही उद्देश्य होता है, क्योंकि उनकी जब मैं वक्तृता सुनता हूँ, वक्तृता कहते हैं भाषण को, जब उनका मैं भाषण सुनता हूँ, उसकी शब्दावली सुनता हूँ, तो शब्द सब कुछ कह देते हैं, शब्दों से आत्मा की खबर मिल जाती है। आप किसी भी राजनेता का भाषण सुन लीजिए, किसी का भी, माइक पकड़ते ही राजनेता 5 या 10 सेकंड बाद दूसरी पार्टी के लोगों को कोसना शुरू कर देता है। बताता है कि जो हमारे अतिरिक्त दूसरी राजनीतिक शक्ति है, जो दूसरी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं हमारे अतिरिक्त, या हमारी प्रतिद्वंद्वी पार्टी जो है वह कितनी अधम कोटि की है, कितनी भ्रष्ट है, उसने देश का कितना नुकसान किया, और वह राष्ट्रहित की बात नहीं करती। उसके सभी काम करने वाले कार्यकर्ता
और उच्चाधिकारी सभी कितने भ्रष्ट हैं। वे देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं और उसके बाद वे उनके अवगुणों को गिनाने की एक प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। एक लंबी फहरिस्त होती है, लंबी फहरिस्त, उस लंबी सूची को वो एक एक करके गिनाते हैं। बड़ा परिश्रम किया होता है उनके अधीन काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने दूसरों के, दूसरी पार्टी के लोगों के कीड़े निकालने में, अर्थात एक एक दोष को खोज खोज कर लाने में। और जो दोष नहीं भी होता, गुण होता है, उस गुण को भी दोष में परिवर्तित करके दिखाने में। मैंने कभी किसी पार्टी के राजनेता को माइक पकड़कर यह कहते नहीं सुना कि हमारी पार्टी से ये भूलें हुईं, उन भूलों से देश का यह नुकसान हुआ, हम ये बेहतर कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया या हमसे हो न सका। हमारी कोशिश थी कि हम देश को बेहतर दे सकें लेकिन हम दे न पाए, और हम अपनी उस भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे। कभी किसी राजनेता ने माइक पकड़कर अपनी और अपनी पार्टी की कभी भी कण मात्र की भी निंदा नहीं की या कमियां नहीं गिनाई। सारी कमियां, सारे दोष, सारे अवगुण जो सामने वाली पार्टी है उसके गिनाए जाते हैं, उसके। तो यहां पर वे तथाकथित राजनेता क्या कहना चाहते हैं कि भला जो देखन मैं चला, भला न मिलिया कोए, जो मन खोजा आप ना, मुझसे भला न कोए। और यही सारा संसार कह रहा है कि मुझे तो कहीं कोई भला दिखाई नहीं देता। अनेक लोग मुझे लिखते हैं कि हमने दुनिया की इतनी सहायता की, सबका भला किया, और सब लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया, धोखा दिया, हमारे साथ षड्यंत्र रचे। हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया हमारा ही बुरा चाहती है, लिखते हैं लोग। अब क्या क्या हुआ ये दुनिया को, ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया को केवल बाहर ही बाहर दोष दिखाई देने लगे। अभी मैंने उदाहरण दिया ना राजनेता का, और इससे आप बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे, भली प्रकार से। कोई अवसर हो, कोई अवसर, अगर कोई राजनेता किसी की शादी में भी गया है और वहाँ उसे माइक पकड़ा दिया जाए कि जरा दो शब्द बोलिए, किसी के जन्मदिन की पार्टी में गया है, वहाँ कहा जाए दो शब्द बोलिए, तो वो दो शब्द यही होते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग कितने ख़राब हैं, वह पार्टी कितनी घटिया है, देश को कहाँ ले जा रही है, रसातल में नष्ट करके छोड़ेगी देश को, इत्यादि इत्यादि। एक ही राग बचता है बस, पर निंदा का राग, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। अब कबीर साहब तो यहां उल्टी बात कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, वे कहते मैं निकला बाहर दुनिया में कि देखूं बुरे लोगों को चलकर, बुरा न मिलिया कोई, कहते मुझे कहीं कोई बुरा दिखाई नहीं दिया, कोई भी बुरा दिखाई नहीं दिया। फिर क्या किया, मैंने कहा जरा अपने भीतर भी तो देख लूं, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोए। और जब मैंने अपना मन खोजा, अपने भीतर टटोला, तो पाया संसार में सबसे बुरा तो तू ही है, तुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसा क्यों, आप सभी ने इन दिनों विनय पत्रिका की मेरी सीरीज सुनी होगी, उस पूरे सीरीज के अंदर तुलसीदास जी विनय पत्रिका के प्रत्येक स्तुति के अंदर, प्रत्येक विनय में तुलसीदास जी एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, संसार के जितने नीच, अधम, पापी, दुरात्मा, राक्षस, वे सब एक तरफ और मैं एक तरफ, राम जी मैं इतना पतित आदमी हूँ, इतना नीच आदमी हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, कहते हैं तुलसीदास जी, मौसम कौन, मेरे समान संसार में भला कौन है, कुटिल चालबाज, धोखेबाज, खल माने दुष्ट, राक्षस, कामी काम वासनाओं से घिरा हुआ, मेरे अलावा भला कौन है। स्वयं स्वीकारोक्ति दे रहे हैं तुलसीदास जी
कबीर साहब अपने शब्दों में कह रहे हैं कि मुझसे बुरा ना कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे जैसा नीच शिरोमणि कहीं मिलेगा ही नहीं। कह रहे हैं वे राम जी से कि राम जी आप तो नीचों पर ही कृपा करते हैं, पतितों पर। आपका नाम है ना पतित पावन सीताराम, कि जो पतित हैं उनको पावन करने वाले हैं आप। तो हे राम जी मेरी तरफ देखिए ना, देखिए मेरे से बड़ा पापी आपको कहीं मिलेगा? पतित कहीं मिलेगा? नीच कहीं मिलेगा? अधम कहीं मिलेगा? निकृष्ट कोटि का हूं मैं, कहीं नहीं मिलेगा। तो हे पतित पावन आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते? स्वयं तुलसीदास अपने आप को पापी नीच अधम बता रहे हैं। मीराबाई पर आ जाइए। मीराबाई क्या कहती है भगवान कृष्ण से? कहती है यो मेरो मन बड़ो हरामी। ये हरामी गाली मैं नहीं लाया हूं, ये मीराबाई अपने मन के लिए कह रही है। यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मद मातो हाथी। कह रही है हे कृष्ण ये जो मेरा मन है ना हरामी है, हरामी कैसे? जो मद मातो हाथी, जैसे कोई पागल हाथी हो, ऐसा हरामी है मेरा ये मन। मीराबाई अपने मन को हरामी कह रही है। और हम क्या कहते हैं कि हम तो भैया बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी का दिल नहीं दुखाते, हम कोई पाप नहीं करते, हम तो कोई बुरा काम नहीं करते। हमें याद है जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हमने किसी का दिल दुखाया हो। मीरा ने किसका धन छीन लिया? मीरा ने कौन से डाके डाल लिए? कौन से मीरा ने करप्शन कर लिए? कौन सा गबन कर लिया अपने देश का जो वो स्वयं को कह रही है यो मेरो मन बड़ो हरामी। मीरा का मन हरामी तो हमारा मन क्या हुआ फिर? हमारे पास तो कोई ऐसी गाली भी शेष नहीं बची जो हम अपने मन को दे सकें। मीरा ने तो रख ली सुरक्षित अपने लिए, नाम रजिस्टर्ड करा लिया मीरा ने हरामी अपने मन के लिए। अब हरामी से अलग कौन सा होगा, कौन सा होगा? कह रही है ये हरामी है मेरा मन। क्यों है? क्योंकि जो भी कुछ दिया कृष्ण तूने, ये तन दिया, ये मन दिया, ये धन दिया, सब कुछ दिया तूने कृष्ण, तो इसका ये कर्तव्य था कि ये तेरा सुमिरन करता, हर समय तुझे धन्यवाद देता, तेरे प्रति आभार से भरा रहता। लेकिन ये तो ऐसा हरामी है कि भूल ही गया तेरे को, एहसान फरामोश, कृतघ्न, तुझे भूल भूल कर ये माया में मुंह मारता है, वहां भटकता है। मीरा अपने मन को कितना भला बुरा कह रही है, मुझसा बुरा न कोए। आपने आरती सुनी होगी ओम जय जगदीश हरे, उस आरती में एक पंक्ति आती है मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। आरती करने वाला भक्त प्रभु से क्या कह रहा है? मैं मूर्ख। मूर्ख में भी थोड़ी समझ होती है, ये तो मूर्ख कह रहे हैं, मैंने और भी ज्यादा मूड, मैं मूर्ख, मुझे कुछ पता थोड़ी ना है, इतना मूर्ख हूं मैं, खल दुष्ट हूं, कामी काम वासनाओं से घिरा हूं, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। हे भरता कृपा करें मुझ पर आप, ईश्वरीय कृपा। और ईश्वरीय कृपा जब मिलती है ना, उसका पहला लक्षण यह होता है ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का कि मनुष्य को अपने दोष दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं, अपने दोष। और इसीलिए इन सभी संतों ने अपनी ओर संकेत किया है इस दोहे के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से। कबीर साहब कह रहे हैं कि बाहर के दोषों को तो क्यों खोजता फिरता है, और यदि तू ऐसा करेगा तो उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा कि कभी तेरी दृष्टि अपनी ओर नहीं जाएगी, अपने दोषों पर नहीं जाएगी, अपने अवगुणों पर, अपनी कमियों पर, अपने मनोविकारों पर, वहां पर नहीं जाएगी। अगर अपनी बीमारी का पता ना हो तो कोई चिकित्सा कहाँ कराता है? नहीं कराएगा।
चिकित्सा कब कराता है? जब उसे अपने रोग का पता हो, और रोग का पता होने के साथ साथ उसका वह रोग उसे कष्ट भी दे रहा हो, उस रोग से उसे पीड़ा भी हो रही हो। अगर कोई रोग है और उससे आपको पीड़ा नहीं हो रही, तो आप उसकी चिकित्सा थोड़ी ना कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो ये रोग है, रोग की पीड़ा है, इसका बोध कैसे होता है? कृपा करो भरता। जब भगवान कृपा करते हैं तो वे पहली समझ यही देते हैं कि अपनी तरफ देखना शुरू करो, कि कहाँ कहाँ तुम कितने गलत हो, कितनी तुम में बुराइयां हैं, कितना तुम्हारे अंदर दोष है, पाप है, कितने तुम पतित हो, उसको देखना शुरू करो। जब उसको देखना शुरू करोगे तब भीतर की सफाई का काम चलता है, स्वच्छता अभियान चलता है भीतर का, और तब बाहर की परवाह नहीं रहती। बाहर कोई कुछ भी कर रहा है, पाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब मनुष्य अपनी फिक्र करता है कि भैया मैं अपना तो देख लूं पहले, उसकी छोड़ो, वो पाप कर रहा है तो वह भुगतेगा, मैं अपना तो देख लूं, मैं तो ना करूं। दूसरा कहे, हम कहते हैं दूसरे के लिए कि वह बड़ा क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, झूठा है, चोर है। अपनी ओर देखें, क्या हम क्रोधी नहीं हैं? क्या हम नहीं करते क्रोध? क्या ईर्ष्या नहीं करते? क्या झूठ नहीं बोलते? सोचें। आप कहेंगे कि हाँ करते तो हैं, बहुत धीरे से कहेंगे, हल्के से कहेंगे कि हाँ करते तो हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा कि उतने नहीं करते जितना सामने वाला करता है। दूसरा तो हमसे ज़्यादा पापी है, हम कम पापी हैं, कम झूठे हैं। मजबूरी होती है कभी झूठ बोलने की तो बोल देते हैं, मजबूरी होती है कभी धोखा देने की, पाप करने की, तो मजबूरी में करते हैं, हम करना नहीं चाहते, फिर भी यहाँ अपने को बचा 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 जाएंगे, फिर भी बचा जाएंगे। लेकिन कबीर साहब कहीं बचा नहीं रहे अपने को, कहीं नहीं बचा रहे, कह रहे हैं कि भैया मुझसा बुरा ना कोई, मेरे जैसा कोई बुरा है ही नहीं। तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है बहुत कुछ, कि कबीर साहब जैसे संत स्वयं को बुरा कह रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आती, हम खुद को अच्छा कहते हैं। तो जरा खोज पर निकला जाए अपने भीतर की, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, जो मन खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई, जो मन खोजा। हम वो जो तो लाते ही नहीं हैं, वो स्थिति तो लाते ही नहीं कि जब जो की स्थिति आ जाए, कि जो मन की, जब मैं अपने मन को खोजने निकला, उस जो की स्थिति जब आएगी तब ही जॉय आएगा, एंजॉय आएगा वास्तव में। तब सारा भीतर एक ऑपरेशन टीम शुरू हो जाएगी ये समझ आते ही, और समझ के साथ साथ उसकी चिकित्सा करने का भी। यदि आपको पता हो घर में कहीं गंदगी पड़ी है, मल पड़ा है, तो आप तत्काल उसे साफ करने जाते हैं कि घर साफ रहना चाहिए, घर गंदा नहीं रहना चाहिए, तत्काल। तो वही तत्काल का क्षण हमारे जीवन में आए, इसलिए कबीर साहब, तुलसीदास, मीराबाई, अन्य इत्यादि संत सभी ने अपने आप को बुरा कहा है, सभी ने। कारण बहुत गहरा है, वे हम जैसे ही हैं, और इसलिए जो भी कुछ ले रहे हैं सब अपने ऊपर लेकर हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कहते कि हम तुम्हारे जैसे ही हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, और इसलिए हम इन पचड़ों में, इन चक्करों में नहीं पड़ते कि बाहर किसी की बुराइयां खोजें। हम तो अपनी बुराई खोजेंगे, अपने को निर्मल और पवित्र करने की यात्रा पर निकलेंगे। आज यही मन में संकल्प लेना है, लिया जा सके तो, कि दूसरों के दोषों को कम से कम देखना है।
मैं कम से कम कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि जो हो नहीं सकता उसकी बात क्यों छेड़ी जाए, ऐसी बेकार की हवाई बातें क्यों की जाएं जो संभव ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे के दोष ना देखे जाएं, लेकिन कम से कम देखे जाएं। और जब कम से कम देखेंगे तो फिर कम से कम देखने वाली चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है, उसे अनदेखा करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक सूत्र है कम से कम देखने की बात कहने का। तब आप इस दोष से बचते जाएंगे कि पराये दोष देखने का जो अवगुण है वो पीछे छूटता जाएगा और अपने अवगुणों पर दृष्टिपात होता रहेगा और उनका संशोधन भी होगा, निवारण भी होगा, समाधान भी होगा। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। और इधर कबीर साहब कह ही रहे हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा।